उस कवित्री को रोक देना चाहिए, बिहार से निकाल देना। नफरत का और किसी पार्टी की परिक्रमा और गणेश परिक्रमा किसी व्यक्ति के फ्रीडम पर चोट करता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि बिहार के अंदर पहले अनामिका अंबर को बुलाया जाता है सोनपुर मेला के लिए, और सोनपुर मेला जाने से ठीक पहले पटना एयरपोर्ट पर अनामिका अंबर को रोक दिया जाता है, जिसके बाद अनामिका अंबर अपने सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक को ये जानकारी देती है कि उसे सरकार के कुछ पदाधिकारी हैं जो अनामिका अंबर से ये बात कहते हैं कि आप सोनपुर मेला में नहीं जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है राजनीति सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और जब अभी हमने पप्पू यादव जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से हमने बात की, और जब हमने उससे पूछा कि आखिर अनामिका अंबर को बिहार सरकार बुलाकर क्यों वापस भेज दी, तो पप्पू यादव का जवाब कुछ हैरान करने वाला था। और सोनपुर मेला में बुलाकर भैया मुझको समझ में नहीं आता है, बिहार में नफरत का और किसी पार्टी की परिक्रमा और गणेश परिक्रमा करने के लिए कोई कवित्री नहीं होते हैं। कवि का मतलब है विचारों पर, गलत विचारों पर चोट करना, सिस्टम पर चोट करना, किसी जाति धर्म मजहब पे नहीं, किसी पार्टी के लिए काम करना नहीं। बिहार ऐसे लोगों के खिलाफ है, बिहार की जनता जो किसी मजहब धर्म किसी विचारों पर किसी व्यक्ति के फ्रीडम पर चोट करता है, उस कवित्री को रोक देना चाहिए, बिहार से निकाल देना चाहिए।